राइडिंग गियर के साथ में हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हैं। सो डू नॉट ट्राई दिस टाइप ऑफ स्टंट्स और राइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 9 o'clock हो रहा है। हम अपनी जेरी और आगे दीक्षांत भाई हैं। और जेरी आज कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि अभी एक दो दिन से बारिश नहीं हो रहा है तो मौसम अच्छा है, मतलब राइड करने के हिसाब से। संडे को अपन औरा नहीं गए थे तो सोचे आज के दिन अपन थोड़ा सा हाईवे राइड मारते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप सबने देख लिया रहेगा कि वीडियो किससे रिलेटेड है। सो अपनी फ्रेंड आ रही है मेलनी, ये फर्स्ट टाइम अपनी जेरेक्स 10R सुपर बाइक को राइड करेगी। उसको बहुत ही राइड एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट, मतलब कितने साल से, ऑलमोस्ट मतलब 10 years से वो बाइक्स को राइड करती है तो एक्सपीरियंस है करके। बाकी आप आते तो मिलाते हैं आप सबको। तो चलो मेलनी, आ चुकी है अपनी बुलेट रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 पे। तो ऑलमोस्ट मतलब 5 to 6 years से शायद से क्लासिक को राइड करती है। देखो बाकी सबको देने में डर लग रहा था, लड़कियों को कि बाइक राइड करने के लिए स्पोर्ट्स बाइक देने में डर लग रहा था, लेकिन मैंने के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि आई नो हर वेरी वेल। थोड़ा सा करा, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा हो गया। पावर ऑफ 10R 200। बाकी अभी आगे का ब्लॉग मेलनी करेगी, मेलनी से आप सबको मिलाते हैं। एंड गाइस ये पूरा राइडिंग गियर के साथ में हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हैं। सो डू नॉट ट्राई दिस टाइप ऑफ स्टंट्स और राइडिंग, क्योंकि हम लोग पूरा देखो इतना दूर आ रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो अपन पूरा सेफ्टी के प्रिकॉशंस लेके चल। आने दो। तो फाइनली मेलनी आ चुकी है। मेलनी से हाय टू माय ऑडियंस। और इसने 900 अपनी खुशी को राइड किया था, इट्स बीन लाइक 1 year हो गए रहेंगे ना, मोर देन 1 year। तो आज फिर से जेरी के ऊपर, मैंने इसको बहुत दिन से बोल के रखा था, अपन S1000 के ऊपर भी बोले थे लेकिन उस समय थोड़ा सा हम लोग बिजी चल गए, अभी बिजी तो अपने को आज टाइम मिला, फुर्सत माला। तो अभी भगवान करे बारिश ना आए, बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, पूरा प्लान करके आइए। अरे BS3 है ना, लेकिन अच्छा ठीक है बेबी है। कितने साल से बुलेट राइड करते हो? हाँ 9 साल। मैंने तो कम बोला था भाई, 5 साल ही बोला था मैंने। सो ये पूरा राइडिंग गियर के साथ में आई है। सो देख सकते हो कुछ नहीं, बाकी पहला देखो अपना सीटिंग पोजीशन 10R के ऊपर। तो
R15 तो और हमेशा चलाती रहती है, R15 तो सेम पोजीशन ही है इसका। सीट बहुत कड़क है। सीट इसका, हाँ सीट, सीट थोड़ा सा हार्ड है। तो अभी ये राइड करेंगे जेरिको, सो होप फॉर दी बेस्ट। अभी थोड़ी देर बाद इसको फिर मोटो ब्लॉक का सेटअप देंगे, तो अभी पहले इसको कंफर्टेबल होने देते हैं, फिर अभी अपन राइड कर रहे हैं इसकी बुलेट क्लासिक 350। कैसे टच करूंगा बोलूंगा भाई। रोलिंग रोलिंग कैमरा खुशी को, और आज मुझे मौका मिला है जेरी को चलाने। तो स्लोली स्लोली मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। Open space. I need an open space. Hi uncle, did you like the bike? Uncle is looking. Uncle likes the bike. No. Uncle ko bike achhi lagi hai. Mere bhai ke bare mein aisa kuch mat bol.
कॉर्नरिंग मारेंगे फोन। थोड़ा मिस हो गया था बट मैंने जेरी को संभाल लिया। अभी 2 मिनट पहले मेरी फटी, ऑलमोस्ट थोड़ा बैलेंस छूट गया था इसका। अटक गया हो? नहीं, पूरा क्लच छोड़ने का। अरे मेरा पैर नहीं हो रहा है ना उस पे। अरे उतना भागा है, मेरे को लगता 170 भागा ही रहेगी। हाँ वो टच होने तक फिर वापस ये हो गया। वो पैच मिला था ना वो? हाँ वो पैच, मैंने इसको बोला ना हट जा हट जा हट जा हट जा, बाहर से कॉर्नर कर रही हूँ मैं। देखा पीछे से? हाँ मजा आया मेरे को, मजा आया, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। ये कौन और नया वो कौन सा आया है अभी? तो मैं 180 पे पहुंची। वो बीच में ट्रक आ गया था इसके लिए। 180 वो बीच में ट्रक आई ना यार, फिर अटकी। Oh.
minutes later. गाइस आप सबको वीडियो अच्छा लग रहेगा, अगर अच्छा लग रहेगा तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करके जाना। चलो मिलते हैं इससे किसी वीडियो के साथ में, टिल देन चलो बाय।